Namaskar. Hello viewers. Welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath mein. Today, we are very fortunate to have none other than the Sangeet Natak Academy Award winner, the renowned tabla player, Pandit Yogesh Shamsi ji. आज हम आपको ले चलेंगे प्रख्यात तबला वादक पंडित योगेश शामसी जी के सांगीतिक सफर पर. आइए उनसे बातचीत करते हैं और चलते हैं उनके साथ उनके इस यात्रा पर. नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए. नमस्कार. जैसे कि मैं हमेशा ही शुरुआत करती हूँ मेरे एक सवाल से कि आपके इस सांगीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सांगीतिक सफ़र देखिए, मेरे पिताजी और माताजी दोनों संगीत में ही रहे. मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित दिनकर कायकिणी जी वो गायक थे. मेरी माता जी आज भी गायिका हैं और सिखाती भी हैं. और घर के वातावरण में जब शास्त्रीय संगीत चलता रहा बचपन से, तो जन्मतः उस वातावरण में पैदाइश होके मैं उसी में पला बड़ा. तो संस्कार भी हुए, सीखना भी हुआ, उस माहौल में रहना भी हुआ, कलाकारों को देखना भी हुआ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ उठना बैठना हुआ. मेरे पिताजी आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे जी. और इस वातावरण में बचपन से उसमें रहने के वजह से ये विद्या संस्कार ही है. आप तालीम गुरु से लेते हैं और तालीम होती है, रियाज करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब तक सूक्ष्म रूप से संस्कार नहीं होते तब तक ये विद्या अंदर से कला बन के बाहर नहीं आती है. ये मेरा अनुभव है. तो इस माहौल में मुझे जन्म मिला भगवान की कृपा से और बस ऐसे ही परवरिश हुई, यही मेरी शुरुआत हुई. तो योगेश जी, आपके गुरु कौन रहे? आपने किनसे सीखा? आपके गुरुओं से मुलाकात कैसे हुई? आप थोड़ा उसके बारे में बताएं. देखिए, मेरे आज तक के तीन गुरु हैं. बचपन में जब मैं 6-7 साल का था, तब मेरे पिताजी ने पंडित एच तारानाथ राव जी के पास मुझे भेजा. उनसे लगभग शुरुआत कह दीजिए थोड़ी सी हुई, 6-8 महीने साल भर तक. फिर वो चले गए कैल आर्ट्स में, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया आर्ट्स सेंटर में सिखाने गए. तो उसके बाद पिताजी मुझे बीच बीच में सिखाते रहे. मेरे पिताजी भी तबला जानते थे, तबला सीखे थे, तो तालीम उनके पास चलती रही. लेकिन शुरुआत के संस्कार तारानाथ जी के हाथ से, मुंह से मुझे तालीम मिली थोड़ी सी. उसके बाद 1978 में अल्लाह रखा खान साहब बम्बई आया करते थे, जब वो पंडित रविशंकर जी के साथ दौरे पे रहते थे अमेरिका. तब सर्दियों में बम्बई आते थे लगभग 5 महीने. तब मेरे पिताजी की उनके साथ मुलाकात हुई एक दिन, और पिताजी ने उनसे गुजारिश की कि मेरा बच्चा बजाता है, आप थोड़ा सुन लीजिए, आपके चरणों में देना चाहते हैं. तो आए, घर पे आए, मुझे सुना और
खुश हुए, कहने लगे फलाने दिन आप बच्चे को घर पे लेके आइए। और जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे, मुझे लग रहा था कि वो मुझे सिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ उनके मन में था कि बच्चे को सिखाने से पहले उसका गंडा बंधन करना ज़रूरी है। तो सारा बंदोबस्त, सारा प्रबंध उन्होंने करके रखा था। तो जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे, मेरा गंडा बंधन उनके हाथ से हुआ और बस 1978 से उनके साथ तालीम शुरुआत हुई। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के साथ आपका इतना करीब का एक संबंध रहा जिसमें कि आप उनके उनसे सीखा उन्होंने आपने, तो हम सबके जिज्ञासा होगी कि ये रिश्ता जो था, ये जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता था वो कैसा था, और आप थोड़ा सा अगर अपने अनुभव के बारे में बताएं उनके साथ। आपने सही फरमाया कि ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये विद्या सीखी जाती है। सही सही, आजकल बहुत सारे माध्यम हैं सीखने के, क्लासरूम टीचिंग भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी सीखते हैं, आजकल ऑनलाइन भी हो गया है कोविड के ज़माने के वजह से। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा, जिसको सीना बसीना तालीम कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा मतलब गुरु हैं शिष्य हैं, आमने सामने बैठते हैं, लेकिन दोनों की जो आत्मा एक रूप जब तक नहीं होती तब तक तालीम का फल नहीं मिलता, और ना ही गुरु को वो आनंद आता है, ना ही शागिर्द को वो समाधान होता है। तो अल्लाह रखा खां साहब के साथ लगभग मेरे 23-24 साल ऐसे गुजरे कि मैं उनके घर जाता था तो कभी कभी 4 घंटे कैसे निकले, या फिर कभी कभी सारा दिन कैसे निकल गया, या शाम को अगर गया तो रात कब हो गई, 12 कब बज गए, ऐसे पता ही नहीं लगता था। क्योंकि मेरी उनके साथ तालीम कई स्तरों पे हुई। अच्छा। एक तो बाकायदा साज लेके बैठना और सीखना उस स्तर पे हुई, केवल उनके साथ बैठना और चर्चा करना इस स्तर पे भी हुई, उनके साथ उनके कार्यक्रमों में जाना और उनके कार्यक्रम सुनकर भी मेरी तालीम हुई, और कभी कभार वो उनको मिलने के लिए कई कलाकार आते थे घर पे, तब भी मैं मौजूद रहा करता था उस समय। तो उनके आपस के गुण चर्चा जब होती थी तो उस गुण चर्चा से भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया। सीखने के कितने तरीके हैं, और मतलब ये सबकॉन्शियसली हो रहा था। हाँ। पता नहीं लग रहा था, बचपन में ऐसे पता नहीं लगता कि कितने अलग अलग स्तरों पे तालीम होती है। तो गुरु शिष्य परंपरा को बयान करना मुश्किल है जी। क्योंकि बहुत सूक्ष्म संस्कार, बड़े बड़े सूक्ष्म रूप से संस्कार होते जाते हैं और वो पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है कि इस ऐसे प्रसंग के वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ और फलाने प्रसंग के वजह से मुझे ये सीखने मिला, ये बाद में मालूम पड़ता है। बस तो यही गुरु शिष्य परंपरा का सफ़र रहा अब्बा जी के साथ। हम लोग उनको प्यार से अब्बा जी बोलते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत दिल खोल कर सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया, बड़े डांट कर भी सिखाया, लेकिन जितना डांटा उससे ज़्यादा उन्होंने मुझसे प्यार किया। और बस जो भी उनके वजह से प्राप्त हुआ उसी का फलस्वरूप है। उनके बाद मैंने पंजाब के कुछ पुरानी चीज़ें और स्वरचित चीज़ें पंडित सुशील कुमार जैन जी, जो अब चंडीगढ़ में रहते हैं, उनसे भी मैंने सीखा पिछले 8-9 साल से। अच्छा जी। लेकिन हाँ, अब्बा जी के साथ जो सफ़र रहा वो उसको शब्दों में बयान करना असंभव है। क्या बात है। तो अल्लाह रखा साहब, उस्ताद अल्लाह रखा साहब, उनका तो एक अलग ही योगदान है हमारे संगीत की दुनिया में। तबला वादक के रूप में सिर्फ नहीं बल्कि और भी बहुत, एक जैसे हम कहते हैं ब्रॉड, उनका एक योगदान रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने शिष्य के रूप में आप इसको किस तरह से देखते हैं, कि क्या कोई एक बड़ा सा बदलाव आया संगीत में भी, संगीत की दुनिया में भी उनकी वजह से? ज़रूर आया, बहुत ज़बरदस्त बदलाव उन्होंने लाया। दो शाखाओं में लाया उन्होंने। अच्छा। एक तो तबला सोलो के
विषय में और दूसरा संगत में। अच्छा। संगत करने में, संगत करने में उन्होंने बहुत सारे उपज की कल्पनाएं लाई और ऐसे उपज की कल्पनाएं उन्होंने सोलो में भी लाई। बहुत सारे अलग अलग किस्म की सोच उन्होंने तबले में, अपने तबले में, हालांकि वो पंजाब से आए सीखकर उस्ताद मियां कादरबख्श खान साहब से, तो जब वो सीखकर बंबई आए तब उस विद्या पे जो उन्होंने हासिल की थी उनसे, उस पे उन्होंने अपनी स्वचिंतन से, चिंतन मनन से जो तबला उन्होंने बनाया वो अपने खुद के विचारों से उन्होंने तबला बनाया और वो बहुत समृद्ध तबला उन्होंने बनाया। मतलब जितने भी तबला सोलो के एस्पेक्ट्स हैं हर एक एस्पेक्ट में उन्होंने अपना योगदान दिया है, पेशकार से कायदे से लेके अविस्तारक्षम रचनाओं में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। और उपज के तबले मतलब ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन कि जितने भी छोटी छोटी अलग अलग खूबसूरत कल्पनाएं हैं उन्होंने, उसका बहुत बड़ा योगदान उनका है। और आज मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती है कि आज दुनिया भर में जो जिस किस्म की सोच का तबला बज रहा है उनकी सोच उसमें शामिल है। क्या बात है। और साथ संगत में तो खैर पंडित रविशंकर जी के साथ पूरी दुनिया ने उनको सुना और भी कलाकारों से सुना। मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ बहुत साल बजाया, लगभग 23-24 साल, तो उनके साथ बातचीत में उन्होंने अलारखा खान साहब को बहुत करीब से देखा था, मतलब एज ए म्यूजिशियन। तो उन्होंने भी मुझे कई बार ये कहा कि जिस तरह से अब्बा जी सात संगत में तिहाइयों को सोचते हैं, ये बहुत अनोखा कंट्रीब्यूशन, बहुत अनोखा योगदान है उनका जी। तो सात संगत में बहुत सारे उपज अंग के सोच, तबला सोलो में बहुत सारी उपज अंग की सोच। आप अगर आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्या कुछ बजा के सुनाइए जो अभी आप बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास नगमा नहीं है क्योंकि नगमे के साथ वो उसका जो स्वरूप है वो ठीक से पता लगता। लेकिन उनके अविस्तारक्षम रचनाओं का मैं सोच तो मैं ऐसे एकदम से इतने कम समय में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ उनकी अविस्तारक्षम रचना है, खूबसूरत हैं। एक दो रचनाएँ मैं उनको मतलब उनकी याद में पेश कर सकता हूँ जी। जरूर, अगर आप हमें वही आशीर्वाद स्वरूप। जरूर जरूर। देखिए, अविस्तारक्षम रचनाओं में उस्ताद अलारखा खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें रची हैं, लेकिन एक दो नमूने आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तीन ताल में चक्रधार बंदिशें हैं, तो देखिए। धिन ताकड़ तकता धर धर कट धिन ताकड़ तकता के तेट गदी नकत धाती धकत धाती धकत धाती धा धा धिन ताकड़ तकता धर धर कट धिन ताकड़ तकता के तेट गदी के नकत धाती धकत धाती धकत धाती धा कट तकता धिन ताकड़ तकता धर धर कट धिन ताकड़ तकता के तेट गदी के नकत धाती धकत धाती धकत धाती धा। हो चुका है, बहुत लोग इसको बजाते हैं। अलग अलग पांच अलग अलग लयों में ये बनाया हुआ है। तिन तिन नाथ तिन तिन तद्दी किट तद्दी किट तकिट 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 धेदर किट तक धा धागे न धागे ते न तागे न तागे ते न थेट तागे न थेट तागे न थेट तागे न थेट तागे न धादी घिन तरा न धा धेदर किट तक धा धादी घिन तरा न धा धेदर किट तक धा धादी घिन तरा न धा धेदर किट तक धा।
नमूने हैं। हाँ जी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रची हैं, बहुत सारे अलग अलग उसमें कल्पनाएं हैं। हाँ हाँ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, भाषा इसमें अर्थहीन है ये भाषा, लेकिन इस भाषा को छंदयुक्त अर्थ देना, ये एक रचनाकार की जो अंदर की जो कलात्मक दृष्टिकोण है जी। वो उस स्तर पर होगा तो वो अर्थ बनेगा, वरना नहीं। योगेश जी, मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी भाषा इतनी शुद्ध सही है, इस सांगीतिक जो भी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही लगती है कि हाँ, आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल दर्शकों तक पहुंच रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घराने के बारे में बताएं कि हम तो अब जान ही रहे हैं मगर फिर भी। मेरा घराना पंजाब घराना है, अब्बा जी पंजाब घराना से लाहौर से सीख के आए थे जी। और इसमें ये पखावज प्रधान घराना है, जो इसका मतलब पेरेंट साज है वो पखावज है जी। तो पखावज की जो भी भाषा है वो तबले में आई है। तो पखावज अंग के मतलब खुले बोलों का, तबले में अगर खास तबले का बाज अगर देखा जाए तो उसको बंद बाज कहते हैं, क्योंकि हाँ। उंगलियों का और बहुत सारा उसमें टेक्निक और उपयोग होता है जी। लेकिन हथेलियों का जो बाज है खुला, वो पखावज का बाज हुआ करता था। वो बनारस में भी हुआ और लखनऊ में भी है, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंजाब में तबला बहुत बाद में आया, बहुत लेट आया। अगर लगभग 300 साल के हम लोग इतिहास अगर इसको देखते हैं तो पंजाब घराने में मेरे ख्याल से लगभग 150 साल बाद तबला शायद इजाज हुआ होगा, उसकी प्रगति होने लगी। तब तक पखावज ही बजता था। तो इसलिए पखावज प्रधान होने के वजह से हमारे घराने में अविस्तार क्षम रचना, जो पखावज में विस्तार नहीं होता, पखावज में फिक्स्ड कॉम्पोजिशंस बजते हैं, अविस्तार क्षम रचना है। और तबला जो साज बना वो विस्तार के लिए बना। तो ये पहले फर्क समझ में आना चाहिए जी, बिल्कुल जी। दोनों में फर्क ये है कि तबले में विस्तार संभव है, पखावज में लगभग नहीं के बराबर विस्तार होता है। केवल जो बंदिशें हैं, रचनाएं हैं, जिस तरह से उस्तादों ने पंडितों ने बनाई, बुजुर्गों ने, उसी तरीके से उसको बजाना होता है जी। तो पंजाब में ये परंपरा रही, इसलिए अविस्तार क्षम रचनाओं की का बजाना पखावज पे, वही परंपरा तबले में आई। इसलिए बहुत सारी विस्तारक्षम रचनाएं पंजाब की प्रचलित भी हैं बहुत, और ख़ास करके दीपचंदी अंग के जो बंदिशें हैं, सात में जो सेवन के छंद में जो बंदिशें हैं वो बहुत प्रचलित हैं। अच्छा। बहुत बड़े बड़े रचनाकार हुए, बड़े बड़े उस्ताद हुए। मेरे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के गुरु मियाँ कादर बख्श खान साहब, उनके गुरु, उनके पिता और गुरु मियाँ फ़कीर बख्श खान साहब, और मियाँ फतेह दीन, मियाँ नबी बख्श खान साहब, अल्लादित्ता खान साहब, करीम बख्श पेरना, और मतलब अनगिनत। तब पंजाब घराने में एक ज़माने में ऐसे कहावत थी कि ये घराना 125,000 शागिर्दों का घराना है, ऐसे कहावत है। अच्छा। ऐसे मैंने सुना है जी। मेरे उस्ताद से भी सुना है। तो इतना ये समृद्ध घराना था, इसमें भाषा वांग्मय जो तबले की भाषा में एक हिडन एक एब्स्ट्रैक्ट ग्रामर कहिए, छंद शास्त्र से जुड़े हुए बंदिशें, बहुत सुंदर सुंदर बंदिशें हैं, और बहुत सारे रचनाकार हुए। और इसमें एक शाखा भी हुई, मतलब मेन स्ट्रीम पंजाब जिसको हम बोलते हैं, जो मुख्य पंजाब घराने की जो परंपरा रही वो फ़कीर बख्श खान साहब से शुरू होते हुए हुई, लेकिन एक शाखा इसकी हुई, एक जगह वहाँ है कसूर। अच्छा। लाहौर के पास। तो कसूर में भी एक अलग फ्लेवर का पंजाब घराना है। अच्छा। वहाँ डेवलप हुआ। अच्छा। उनका अंदाज, उनकी चीज़ें बहुत हाथ की तैयारी की बहुत सारी चीज़ें कसूर घराने में बहुत सारी कंपोज हुई। तो
वो एक शाखा मानी जाती है, लेकिन वो पंजाबी माना जाता है, लेकिन उनकी अपनी अपनी खास बंदिशें, खास अप्रोच, सोच अलग। तो ऐसे बहुत सारी मतलब इसमें रिचनेस। आपसे तो क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा सुना तो हमारी जो प्यास है वो तो और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप क्या पंजाब घराने को स्पेसिफिकली, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग से डिस्टिंक्ट हो जाती है, तो आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि किस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ दिखाकर, तो हम सबको बहुत अच्छा लगे। देखिए कुछ मिसल, मिसल मतलब खास अंग, जिसको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं, मिसल खास फ्रेजेस जो पंजाब में आते हैं विस्तारक्षम रचनाओं में, अविस्तारक्षम रचनाओं में जो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होते हैं उसमें, जैसे ये जो ये है, फिर धीरे धीरे की धार दा ये है, फिर धिकिट तान ये फ्रेज है, या फिर तगिनतान, या तांगड़ धींगड़, तांगड़ धा धींगड़ धा ये इस किस्म की, ये जो भाषा है, ऐसे बहुत सारे मिसले हैं जो कि पंजाब घराना में, जो पंजाब घराने में यूज करते हैं, लेकिन उसका उपयोग भी एक खास तरीके से किया जाता है। पंजाब घराने के बंदिशों की ये खासियत है कि जो जो कंस्ट्रक्शन और फ्रेजियोलॉजी है वो ना केवल पढ़ंत के लिए क्लिष्ट है, बजाने में भी उतना ही मुश्किल है। उसकी क्लिष्टता जो है, मुश्किलात जो है, वो कभी कभी हाथ फंसाने लायक है। अच्छा, सीधा सरल निकास जैसे लगता है, लेकिन जब बजाने बैठते हैं तो ताकत लगती है, हाथ कभी कभी झटका लगता है, तो इसमें सोच विचार से रियाज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब रियाज की बात हो रही है तो क्योंकि मैं जानती हूँ आप गुरु भी हैं, तो मुझे आपसे जिज्ञासा ये है कि कितना रियाज, ये एक बहुत ही साधारण सा कॉमन सा सवाल है, सभी पूछते हैं कितना रियाज होना चाहिए। कोई गुरु कहते हैं सारे समय रियाज करें, और कुछ गुरु कहते हैं कि नहीं ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, आपका क्या विचार है? देखिए रियाज बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसको अगर मतलब संक्षिप्त में रियाज कैसे करना है ये अगर मुझे बताना है, तो पहले रियाज दो चीज़ों में रियाज होता है, दो तरह का रियाज होता है, एक शारीरिक रियाज होता है और एक बौद्धिक रियाज होता है। बौद्धिक रियाज जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक रियाज है। बौद्धिक रियाज नहीं होगा तो आप शरीर से कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए जी। और इसलिए रियाज रोज होना चाहिए, रियाज रोज होना चाहिए, रोज नियम है ये, नियमानुसार रोज रियाज होना चाहिए। चाहे आप जैसे अभी एक और इसमें बात आती है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, जैसे अगर मुझे रियाज करना है तो जब मैं सीख रहा था तो मुझे हासिल क्या करना था, मुझे उसमें रोज प्रगति लानी थी, ये मेरा ध्येय था रोज का इम्प्रूवमेंट, एवरीडे रोज एवरीडे डेली गोल होता है, वीकली गोल हो, मंथली गोल हो, यू नो क्वार्टरली गोल हो, हाफ ईयरली गोल हो, जो भी है आप उसको बहुत अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन अगर शौकिया कोई सीख रहा है और उसको अभी उसमें रुचि पैदा हुई है और वो उसको मतलब डट के करना चाहता है और उसमें कुछ हासिल करना चाहता है, तो फिर रोज़ रियाज करना है, चाहे आधा घंटा मिले ऑफिस के काम से जो शौकिया सीख रहा है, उस आधे घंटे में भी अगर पढ़ंत कर ली तो बौद्धिक रियाज हो जाता है। एक घंटा मिला एक दिन, तो एक आध दो चीज़ें लेके उसको साफ करके उतार दिए तबले पे, तो वो रियाज, रियाज कभी भी मतलब वेस्ट नहीं होता, रोज़ाना होने से उसका फल निश्चित है। कभी कभार चलो मूड आ गया, अभी आज
15-20 दिन के बाद आज रियाज करने बैठते हैं, ऐसे वाला रियाज उसका फल नहीं मिलता नहीं मिलता बिल्कुल। इसलिए हाँ, रियाज कैसे करना है ये व्यक्तिगत बदलता है, हर एक विद्यार्थी के लिए अलग है, हर एक बजवाई के लिए अलग है, हर एक कलाकार के लिए अलग है, लेकिन रियाज रोज होना चाहिए। आप जब ये सारी बातें कह रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि आप सिखाते हैं, आप गुरु हैं, आपकी हर बात जो है वो बहुत मूल्यवान है। शिष्य कब तैयार होता है, आपको क्या लगता है कि अब आपने ये बात सही कही कि गोल क्या है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन आज हम जैसा बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है हमारी ज़िंदगी, सभी सब कुछ बहुत जल्दी हासिल कर लेना चाहते हैं, जो कि मुझे पता है कि संभव नहीं है। लेकिन एक शिष्य मंच पर जाकर अपने कला का प्रदर्शन कर सके, ये कब आपको लगता है क्या होना चाहिए, कब एक गुरु को लगे कि हाँ ये शिष्य तैयार है? इसमें बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं। एक तो वो कितनी उसकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण इस विषय के लिए है, मतलब रियाज के तौर पे वो कितनी कुर्बानियाँ दे पा रहा है रोज़ अपनी ज़िंदगी में। कुर्बानियों से क्या मतलब आपका? मतलब आप कहते हैं? कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। अभी कभी ज़रा अभी बच्चा है, सीख रहा है और बनने लायक है, उसमें टैलेंट है बहुत, लेकिन और भी चीज़ें, जैसे आपने कहा आजकल की दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मन को एकाग्र रखने के लिए बड़ा बहुत बड़ी चुनौती है ये बच्चों के लिए, तो कुछ और भी चीज़ें चलती रहती हैं, उन चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है इसमें समय देने के लिए, उसका मतलब मेरा है कब कुर्बानी। कोई सिनेमा देखने गया, कोई वीडियो गेम खेलने बैठ गया, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, इस बहुत सारी चीज़ें हैं और हथीले पे दुनिया है आपके मोबाइल के जरिए, तो उसमें इस सोशल मीडिया पे आप घंटों गुजार देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है, इससे हटना पड़ता है, तो इस पर निर्भर है कि वो कितना समय दे रहा है। चलिए ये मानकर चलते हैं कि उसने कुर्बानी दी है और पूरी श्रद्धा भक्ति से समर्पण से इस साज की साधना करने में जुटा हुआ है रोज़, फिर भी कम से कम 5 से 8 साल पूरी तरह तैयार होने में लगेंगे, एक ऐसे स्तर पर आना कि समझदारी का गाना बजाना करें, कि गाना बजाना समझ कर हो रहा है, ये नहीं कि जो सिखाया है उसको याद करके केवल बजा रहे हैं, ये नहीं, उसको गाना बजाना नहीं कहते हैं। गाना बजाना वो होता है जो गुरु से सीखा, याद किया, उसको अपने अंदर उतारा। तो शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला, शास्त्र, तंत्र, विद्या ये बाहर से अंदर जाता है और कला ये एक ही चीज़ है जो अंदर से बाहर आती है। शास्त्र गुरु देता है, तंत्र गुरु बताता है, विद्या आपको गुरु से मिलती है, उसकी उसको लेकर वो शागिर्द क्या करता है उस पर निर्भर है। तो इसीलिए मैंने कहा कुर्बानी की बहुत ज़रूरत है। कितनी अच्छी बात कही आपने। और वो कला बाहर अंदर से बाहर निकलने में कम से कम 5-8 साल, वो भी ऐसा नहीं है कि पूरी परिपक्व होके निकलेगी, वो होने के लिए शायद और 10-15 साल निकल जाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत होने में कम से कम 5 से 8 साल में कह रहा हूँ। योगेश जी, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि अभी आप बात कर रहे थे संगत और ऐसे ही बजाने के, सोलो बजाने की, तो आप तो बहुत अच्छे संगतकार भी हैं, आप बहुत ही अच्छा बजाते हैं, आप हम सब जानते हैं कि पंडित जी आपका जो सोलो परफॉर्मेंस होता है वो भी बहुत अच्छा, तो ये जो है कैसे बैलेंस कैसे होता है, आपको एकदम सही संगत और जब आप सोलो बजा रहे होते हैं तो बिल्कुल सही उस तरह का, मेरे दर्शकों को भी और मुझे भी जिज्ञासा है कि ये सामंजस्य आप कैसे बिठा पाते हैं? देखिए, सोलो वादन ये अपने में एक कला है। अच्छा। और संगत करना ये अपने में एक अलग कला है, हालांकि विषय वही है। संगत सोलो आप सीखेंगे, जो भी आपने सीखा है सोलो के लिए उसको आत्मसात करके, रियाज करके, उस पर चिंतन करके आप एक अपना सिलसिला और अपना एक ढंग पैदा कर सकते हैं। संगत में क्या होता है, संगत में आपको सोलो वादन जो है उस स्तर पे रहना ज़रूरी है, सोलो वादन आना ही चाहिए संगतकार को, लेकिन वहाँ केवल
उसके बाद विषय खत्म नहीं होता, वहीं से शुरुआत होती है। सोलो वादन एक बार आ गया, अब संगत में क्या होता है, संगत में ये आपका कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम आपका नहीं होता, आप किसी को सहारा दे रहे हैं, आप किसी के गाने बजाने को सवार रहे हैं। तो वो कौन है, किनके साथ आप बजा रहे हैं, कौन से संगीत के साथ आप बजा रहे हैं, किस किस्म का संगीत है, इस चीज को भी उसका भी अभ्यास होना जरूरी है। तो मुझे बचपन में गाना मेरे पिताजी से सीखने मिला, इसलिए मुझे गाने के साथ संगत कैसे होनी चाहिए, पिताजी के साथ संगत करते करते और बहुत सारे बड़े गवैयों के साथ संगत करते करते मैं बड़ा हुआ, तो उस संस्कारों से बड़ा हुआ जी। साथ संगत के संस्कार ही अलग होते हैं। अच्छा। तो उस विषय को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस विषय पे भी थोड़ा अभ्यास करना एक तबला वादक को ज़रूरी है, गाने का या फिर वादन का, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तंतुवाद्यों का क्या स्टाइल है, क्या उसका अंदाज है, उसमें कैसे कैसे बजाते, उसमें कैसे संगत हो पाती है और कहाँ संगत करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। साथ संगत ये विषय जो है तीन महत्वपूर्ण सवालों पे निर्भर है जी, कि कितना बजाना है, क्या बजाना है और कब बजाना है, ये तीन सवाल ये इस पर निर्भर होता है। और साथ ही साथ इसमें संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सहारा दे रहे हैं, सवार रहे हैं एक कार्यक्रम को, तब बजाते वक्त हमें उस गाने बजाने को कहीं भंग नहीं करना है, ये भावना रख के साथ संगत होती है। तो ये विषय बहुत बड़ा है, इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन कभी मौका मिले तो साथ संगत के बारे में अलग से हम बात कर सकते हैं, विषय पर बात कर सकते हैं। जरूर, आपके हर शब्द जो भी आप कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल गुरु के मुंह से निकले हुए शब्द, सब कुछ हर वाक्य में, हर शब्द में सीखने को मिल रहा है हमें। हमारे युवा वर्ग को आपने अभी संदेश तो दे ही दिया, मगर कोई अगर ऐसा संदेश है जो आप चाहते हैं कि, क्योंकि गाना बजाना जैसे आपने कहा एक तरह से पूजा है, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल पूजा है, तो आप बताएं कि उनको एक संदेश दें कि आगे कि अगर इस पूजा को करनी है तो क्या होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि पूजा के समय हमारी मन की अवस्था क्या होती है, हम लोग दुनिया से पूरी तरह हटकर एकांत में बैठते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं और श्रद्धा भक्ति समर्पण से उस भावना में लीन हो जाते हैं। तो ये वही है, ये विद्या है, और विद्या को मतलब जैसे दुर्गा माता की हम लोग पूजा करते हैं नवरात्रि के समय, सारे साजों को, किताबों की पूजा करते हैं दशहरे पे, तो ये पूजा जो है ये निरंतर हो, रोज़ हो, श्रद्धा भक्ति समर्पण से हो और मेहनत से जुट कर हो। ये अगर चीज़ें आप अगर इस तरीके से विद्यार्थी करेंगे तो एक न एक दिन फल निश्चित है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी बातें कहीं और हमें अपना आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ दिखाया भी कि हाँ कहाँ क्या होता है। आपका बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में शामिल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। We will meet you again in yet another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath mein. Next time. Namaskar.